अब जी योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कुत्ते, तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी तो मैं सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था, दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो। बाबा रामदेव लगता है बौखला गए हैं। दूसरों को गुस्से पर शांत रहने के लिए योग बताने वाले बाबा रामदेव की बयानों को सुनकर लगता है कि उन्हें खुद शांत रहने वाला योग करना चाहिए। अपने आप को संत कहने वाला बाबा रामदेव मीडिया पर गुस्सा हो गए, गुस्सा ही नहीं बल्कि बदतमीजी पर उतर आए, आग बबूला हो गई। जनता से जुड़े सवाल जब बाबा रामदेव से पत्रकार ने पूछे तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय मीडिया पर ही भड़कने लगे। आओ देखा न ताओ पत्रकार से बदतमीजी करने लगे कि मैं नहीं दूंगा तुम्हारे सवालों के जवाब, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि समझ ही नहीं आया कि ये बाबा है या फिर कोई और। ये वही बाबा है जब ये अपनी बात रखने के लिए पत्रकारों को ढूंढा करती थी, आज यही बाबा कैसे पत्रकारों से बदतमीजी करते हैं ये आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। बाबा जी योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। सुना आपने, बाबा कह रहे हैं कि उनसे ऐसे सवाल ही मत पूछो, मतलब सवाल अब उनके हिसाब से पूछने पड़ेंगे और अगर आप बाबा जी के हिसाब से सवाल नहीं पूछेंगे तो बदतमीजी पर उतर आएंगे। हैरानी तो तब हुई जब आसपास के लोग उनकी इन बातों को सुनकर हंस रहे थे, तालियां बजा रही थी। पत्रकार ने जब पूछा कि अब आपको योग गुरु से बाबा लालदेव क्यों कहा जाने लगा है तो अचानक बाबा रामदेव की तेवर तल्ख हो गए। वो सीधा जवाब न देते हुए बोले, तेरे पेट में के दर्द होवे है। इस पर रामदेव के आसपास बैठे लोग ताली बजाकर हंसने लगे। इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि आपने जनता से कहा था कि क्या आपको 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपए में सिलेंडर देने वाली सरकार चाहिए, उसका क्या रहा? इस पर रामदेव बोले कि कोई अच्छे सवाल पूछो। जब पत्रकार ने अपना सवाल दोहराया तो रामदेव तैश में आ गए और खुद आगे की तरफ झुककर पत्रकार से बोले, हाँ मैंने कहा था, पूंज पड़ेगा मेरी। बाबा जी योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि भी सब प्रसिद्ध है। बाबा जी आप ही ने कहा था? अरे आदमी कुछ भी कर भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कुत्ते, तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी तो मैं सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था, दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना।
अक्सर बाबा रामदेव बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते हैं और शायद पहली बार ऐसे पत्रकार से उनका सामना हुआ कि बाबा रामदेव तिल मिला गए और उनकी बातें सुन ऐसा लगा कि वो अपना आपा ही खो बैठे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि बाबा रामदेव के बताए हुए योग से लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन योग ये भी सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, शांत रहकर सामना करना चाहिए। माना कि उन्हें ऐसे हालातों से सामना करने की आदत नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े टीवी चैनल्स को करोड़ों के विज्ञापन देते हैं। टीवी वाले उनसे शहद जैसे सवाल करते हैं, तो ऐसे में उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि पत्रकार उनसे ऐसे कड़वे सवाल पूछ लेगा। लेकिन पत्रकार ने सच ही तो पूछा था कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो ऐसे में वो फिर भड़क ही क्यों गए। खुलेआम मीडिया को इस तरह से धमकाने वाले बाबा फिर कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, संत हूँ। अगर वो संत हैं तो वो क्या पत्रकारों से ऐसे बदतमीजी करेंगे? आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।